Back to know, my name is Rahul Gavi, you're watching Rahul Gavi Vlogs and signing in Rahul Gavi Vlogs. तो आज हम व्लॉग्स में आपका स्वागत करते हैं. तो आज हम आए अपने बड़े पापा के घर. वो अभी बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं. वहाँ पे मेरे बड़े भाई रहते हैं, वहाँ से आए हैं. और ये देखो आप पीछे ही हो, आपको दिखाता हूँ मैं. तो ये जो है अपने रीजनल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, यानी मराठी. तो थोड़ी वार्तालाप करने के बाद हमें ये पता चला है कि उन्हें सख्त आराम की जरूरत है, क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग बहुत हो चुकी है. मतलब ट्रैवल करके आए हैं वो. तो चलो हम तब तक के लिए उन्हें जो है रेस्ट करने देते हैं और हम चलते हैं अपने घर के लिए. तो उन्हें रेस्ट करने का कहा है, क्योंकि उनके जो आँखों का ऑपरेशन हो चुका है और अब वो रेस्ट करेंगे. तो कल सुबह मिलेंगे उनसे गुड वाइब और अच्छी स्माइल के साथ. और इसी के साथ आपको हम कल वाले व्लॉग में उनसे रूबरू करने वाले हैं, यानी कि मिलाएंगे आपको उनके साथ और उनके साथ एक वीडियो लेंगे एक दो मिनट की. तो दोस्तों, तो बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है कुछ वजह से. जो हवा आंधियाँ और कुछ आ रही है उसकी वजह से जो है बारिश रुक सी गई है. और एक दो दिन हो गए इस बारिश का जमाव से, ठहराव से. जो बादल बन रहे वो भी अच्छे से हमारे गांव में टिक नहीं रहे, ऐसे भागते ही चले जा रहे हैं हवा की वजह से. और जो है पानी का जो अंदाज़ा, वो हमारे विलेज में पानी की आपूर्तता बहुत कम हो चुकी है. और जो है ये बारिश न आने के कारण सूखा पड़ चुका है यहाँ पे बहुत सारा. तो मुझे लगता है एक दो दिन में बारिश आने के बाद सब जो है खेतों में पेरनी जो है चालू हो जाएगी, सोयाबीन की बुआई. और इस सोयाबीन की बुआई, ये सबसे बड़ा सीज़न होता है समर अपना रेनी सीज़न का, जब सोयाबीन की बुआई होती है. और मंथ के लास्ट सब की हो जाती है, लेकिन इस साल जो है बारिश नहीं गिरी और पानी रेन वाटर संभावना भी बहुत कम है. सिर्फ बादल बन रहे हैं. ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको मेन लेंस से नहीं दिखा सकता. तो आपको अभी हम बादल दिखाएंगे. वेट फॉर वन मिनट. तो आज हम आपको बादलों की दिशा और उनका सफ़ेद और ब्लैक बादल दिखाएंगे, जो जिनसे हमें वर्षा होती है वर्षा ऋतु में. तो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं बैक फ्लिप लगा देता हूँ.